माला अंगवस्त्र लेके स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत है साथियों। चंदौली की धरती है, तालियों की गूंज से गूंजती रहे। छोड़कर समाज का अभिमान आया है, छोड़कर समाज का सम्मान आया है। बुंदेलखंड की धरती से लेते हुए पूर्वांचल की धरती छोड़करों के नाम से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे सोनकर जी। भारत माता की जय, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सोनकर बोला सोनकर जिंदाबाद, जिंदाबाद सोनकर बोला सोनकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा साफ, क्या कहना है आपका, क्योंकि आप अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के। देखिए 2019 के चुनाव में बसपा सपा लोकदल सभी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और उन्होंने पूरा प्रयास किया था कि माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए, लेकिन प्रदेश की जनता ने जो प्यार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, जो सहयोग भारतीय जनता पार्टी को किया, उसके परिणाम में सारे विरोधियों के एकजुट होने के बावजूद भी 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जीती। और जो लोग गठबंधन कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मलाई भी खाते हैं और घुर्राते भी हैं। जो लोग सत्ता में साथ में रहे, चुनाव के समय में आंखें दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। और ये प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीबों का, देश के दलितों का, देश के पिछड़ों का, महिलाओं का, युवाओं का योजनाओं के माध्यम से कल्याण हुआ है, गांव में शौचालय से लेकर प्रदेश में एयरपोर्ट और नेशनल हाईवे और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है, वो भी देश विपदा के कोरोना महामारी के काल में। आज देखते हैं आपकी माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी हर रोज कहीं ना कहीं नया लोकार्पण या शिलान्यास कर रहे हैं, और वो कार्य जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जुड़ी हुई है। तो पूरी प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से कोरोना महामारी में भी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में वैक्सीनेशन फ्री में सरकार ने लगाया, आज 100 करोड़ से अधिक देशवासियों को वैक्सीनेशन सरकार ने लगाया है। किसी व्यक्ति को कोरोना महामारी में भूखे नहीं सोने दिया, उसको सरकार ने राशन भी पहुँचाया है, दवाई भी दी है, इलाज भी कराया है और वैक्सीनेशन भी लगाया है। एक साल से था, आप लोगों ने लोकसभा में राज्यसभा में भी बिल वापस ले लिया है, अभी भी जो तथा कथित जो किसान के सबसे बड़े नेता है वहाँ दिल्ली में कह रहे हैं कि अभी हम नहीं मानेंगे जब तक एमएसपी पे बात नहीं हो जाएगी। देखिए किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग सरकार की किसी भी योजना से खुश नहीं है, जब कश्मीर से धारा 370 हटी तो उन्होंने विरोध किया था, सीए लागू हुआ तो उन्होंने विरोध किया, किसानों के हित में कानून आया तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन फिर भी वो वही लोग हैं जो 2019 में विरोध कर रहे थे माननीय मोदी जी को रोकने के लिए, वो लोग परेशान हो चुके हैं, जिनकी दलाली की दुकानें बंद हुई हैं, जिनके भ्रष्टाचार के अड्डे बंद हुए हैं, वो सब परेशान हैं प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार सरकार से। और वो परेशान हैं कि इस देश के जो लोग इतने लंबे समय से मिलने वाले अधिकारों और सुविधाओं से वंचित थे, वो इतने कम समय में ईमानदारी से मोदी जी ने उन तक कैसे पहुंचा दिए, जिस तरीके से लोकप्रियता माननीय प्रधानमंत्री जी की विश्व में और भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश और प्रदेश में बढ़ रही है, उससे लेकर उनमें बौखलाहट है, कुछ उनके पास सौदा बचा नहीं है, लेकिन वो किस तरीके से अपनी इज्जत को बचाए उसमें एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता पहले से अधिक सीटों के साथ में, बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का तय कर चुकी है। देखिए गाली तो लोगों ने 2019 में भी दी थी, 14 में भी दी थी, लेकिन जनता ने उनको कहाँ बिठाया वो सब सामने हैं, और आने वाले समय में जनता उनको फिर रास्ता दिखाएगी, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, ये संकल्प पूरी प्रदेश की जनता ले चुकी है।